नमस्कार, आपका स्वागत है राजनामा टीवी पे। मैं पूनम आपके साथ। मुख्य सचिव उषा शर्मा को केंद्र सरकार ने 6 महीने का एक्सटेंशन दे दिया है। उषा शर्मा को 31 दिसंबर तक का एक्सटेंशन मिला है। केंद्रीय कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग ने उषा शर्मा के एक्सटेंशन को मंजूरी देने का लेटर राज्य सरकार के कार्मिक विभाग को भेज दिया है। राज्य सरकार ने 16 जून को केंद्र सरकार के पास एक्सटेंशन का प्रस्ताव भेजा था, जिसे मंजूर कर लिया गया। 28 जून को DOPT ने मंजूरी का लेटर भेजा है। उषा शर्मा को रिटायरमेंट से ठीक पहले एक्सटेंशन मिल गया। उषा शर्मा 1985 बैच की IAS हैं। उन्हें 31 जनवरी 2022 को मुख्य सचिव बनाया गया था। मुख्य सचिव बनने से पहले वे 2012 से लेकर मुख्य सचिव बनने तक लगातार सेंट्रल डेपुटेशन पर थी। केंद्र सरकार से एक्सटेंशन मिलने के बाद अब उषा शर्मा के CS रहते हुए विधानसभा चुनाव होंगे और फिर नई सरकार का गठन होगा। नई सरकार बनने तक वह इस पद पर रह सकेंगी। CS को एक्सटेंशन मिलने के साथ ही अब नए मुख्य सचिव के दावेदार पर ब्रेक लग गया है। उषा शर्मा 30 जून को रिटायर हो रही थी। आमतौर पर केंद्र और राज्य में एक ही पार्टी की सरकार होने पर ही मुख्य सचिव को एक्सटेंशन मिलता है। राजस्थान में कांग्रेस की सरकार होने के बावजूद केंद्र सरकार से CS को एक्सटेंशन मिलने के कई मायने निकाले जा रहे हैं। उषा शर्मा केंद्र सरकार में लंबे समय तक डेपुटेशन पर रही हैं। उन एक्सटेंशन को उनके केंद्रीय संपर्क से भी जोड़कर देखा जा रहा है। इसी के साथ बने रहे राजनामा टीवी पे। धन्यवाद।